इनको गाली देते रहे सनातन विरोधी है तो फलना है तो चिल्ला है, मतलब तेजस्वी को गाली देने में सारा समय उन लोगों ने व्यर्थ। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है जहां वो बीजेपी और चिराग पासवान पर जमकर बरसे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप इस वीडियो में देखिए। तो पूरा उनका रंग रूप जो है आरएसएस वाला हो गया, भाजपा के रंग में है, इसी तरह के बात बोल रहे हैं। मेरे धर्म पर वो सवाल उठा रहे हैं और मेरे धर्म को ही मुझको विरोधी बता रहे हैं। मेरा नाम क्या है, यानी वो पिछड़ों को बोल रहे हैं कि पिछड़े सनातन विरोधी हैं। ओबीसी लोग सनातन विरोधी है क्या? अब ये ओबीसी के लोग चुनाव में बताएंगे चिराग पासवान। वो भी अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, बस टिकिए रखना बाकी रह गया। तेजस्वी जी, सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आप पब्लिसिटी के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं के अस्पताल में जांच करवाएं बॉस, उन्हीं के डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है। इस हालात में भी सर आपने 251 सभाएं की है, कैसा एक्सपीरियंस था पूरा? नौकरी को लेकर आपने चर्चा की, युवाओं को लेकर चर्चा की? चुनाव दिन प्रतिदिन बढ़ा है। एनडीए सोचा था कि 7 चरण में चुनाव कराएंगे तो फायदा उनको होगा, लेकिन फायदा हमने उठा लिया और पूरी तरीके से जनता गोलबंद हो गई। उनके झूठ के एजेंडे को वो समझ चुके हैं और जो सही में जो मुद्दा है उस पर बात कर रहे हैं। चिराग पासवान हो या और कोई हो, भाजपा का लोग कोई नौकरी के बारे में बात किया है क्या? कोई बोला है क्या बिहार का विजन क्या है उनके लिए? हम लोगों ने बताया लोगों को मेरा नौकरी का एजेंडा क्या है, महंगाई पर हम क्या करेंगे, गरीबी कैसे हटाएंगे, लोगों को आर्थिक न्याय कैसे दिलाएंगे। वो लोग क्या बोलते रहे, हम ही लोगों को गाली देते रहे सनातन विरोधी है तो फलना है तो चिल्ला है, मतलब तेजस्वी को गाली देने में सारा समय उन लोगों ने व्यर्थ कर दिया। हेलीकॉप्टर से उड़ना मतलब तेजस्वी को गाली देना बाहर मीडिया के सामने, और जहाँ सभा करते वहाँ भी गाली तेजस्वी को देना और उसके बाद काम खत्म। बिहार की जनता गाली थोड़ी सुनना चाहती है। ये चिराग पासवान के समर्थकों को भी, बीजेपी के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जो इस तरह की सनातन विरोधी की बात करें। ध्यान में जा रहे हैं, ममता जी ने सलाह दी कि ध्यान में जाइए, प्रेस को मत ले जाइए। हाँ, आप तो शुरू से बोल रहे हैं। अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटोशूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना रहे हैं। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे हैं, साथ ही चिराग पासवान पर भी जमकर बरसे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पस्त कर देगी, बीजेपी को सफा चट कर देगी। और वहीं चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि अब वो पूरी तरह से आरएसएस के रंग में रंग चुके हैं, बस चोटी रखना बाकी है। चिराग पासवान मेरे धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, ओबीसी के लोग सनातन विरोधी है क्या? अब यही ओबीसी के लोग चुनाव में चिराग पासवान को बताएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।